हे दोस्तों, आज मैं आपको घर सजाने के लिए इस टाइप का एक दुर्गा माता का फेस डेकोरेशन करके दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फेस का मोल्ड लेंगे और उस मोल्ड के अंदर मिट्टी डालेंगे और उस मिट्टी से एक फेस बनाएंगे। दोस्तों, फेस का मोल्ड कैसे बांधे इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाए रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो अभी चलिए हम इस मोल्ड से फेस बनाते हैं। तो देखिए, मैं मोल्ड के अंदर पहला लेयर का मिट्टी मैंने दे दिया है। अभी देखिए, मैं दूसरा लेयर का मिट्टी दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप मोल्ड से फेस बनाना सीखना चाहते हैं प्रॉपरली, तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है जहाँ पर मैंने दिखाया है कि आप प्रॉपर तरीके से एक मोल्ड से फेस कैसे बना सकते हैं। तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा लोग मोल्ड से फेस बनाने टाइम बहुत सारा गलती करते हैं, इसीलिए उसका फेस अच्छा नहीं बनता है। तो इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाए रखा है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैं मोल्ड से फेस निकाला है। अब इस फेस को अच्छे से फिनिशिंग करना पड़ेगा और इस फेस के माथे के ऊपर मिट्टी से एक मुकुट बनाना पड़ेगा, ताकि हम बाद में जब मुकुट लगाएंगे तो ये जगह पे हम मुकुट लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं फेस जो है उसके ऊपर ऐसे करके मुकुट जैसा बना दिया, ठीक है। अब मैं इस फेस को अच्छे से क्या करूँगा, धूप में सुखाऊँगा, थोड़ा सा हार्ड होने दूंगा। उसके बाद इस फेस को मैं अच्छे से फिनिशिंग करूंगा, ब्रशिंग करूंगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप मोल्ड से कोई भी फेस निकालते हैं ना, तो क्या होता है, फेस में बहुत सारा क्रैक जैसा आता है, ठीक है, और भी बहुत सारी दिक्कत आती है फेस में, तो उसको आपको बाद में ठीक करना होता है। तो ये देखिए, मैं पानी स्प्रे कर दिया, अभी ब्रश से अपने उंगलियों से फेस को अच्छे से मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों, आपको क्या करना होगा, ये देखिए, मैंने एक लोहे का कील ले लिया है। अब इस कील से ऐसे करके चार पांच छेद करना होगा, ये देखिए, ठीक है। ये मुकुट में ऊपर दो साइड में, और देखिए ये होंठ के नीचे गले के जगह पे, ठीक है। और देखिए, टोटल में पांच छेद किया। इसमें क्या होगा, बाद में जब हम एक चटाई के कूले के ऊपर हम फिट करेंगे, ठीक है, हम हिंदी में इसे कूला ही बोलते हैं, बाद में आपको दिखाऊंगा इसको क्या चीज़ है। तो आप चलिए इस फेस को लगभग चार पाँच घंटे तक धूप में सुखाते हैं, और तब तक हम मार्केट जाके एक अच्छा सा कूला खरीद के लाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, इसको कहते हैं कूला, हम बंगाली में इसको कूला बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, आप कमेंट करके बताना। तो ये वाला कूला मेरे को अच्छा लग रहा है, तो इसको मैंने ले लिया और अपने घर लेकर आया, ये देखिए। तो अब मैं इस कूले के ऊपर उस फेस को मैं फिट करूँगा, देखिए फेस पूरा सूख गया है, ठीक है। अब मैं इस फेस को कूले के बिल्कुल मिडिल पॉइंट में रखूँगा, और जहाँ पर मैंने छेद किया है वैसे जगह पर मैं मार्क कर लूँगा, ये देखिए कूले के ऊपर, वहाँ पर मैं एक कैंची से वहाँ पर छेद कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए, मैंने कैंची से वहाँ पर छेद कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, मैं क्या करूँगा, जो फेस है उस फेस को इस कूले के साथ में फिट करूँगा। ये देखिए, मैंने जी आई वायर ले लिया है। अब इस जी आई वायर को वही छेद में डाल के, और जो कूले के अंदर छेद है दोनों के अंदर डाल के, मैंने देखिए पूरा फेस को फिट कर लिया, देखिए, ठीक है। पीछे से मैंने ऐसे जी आई वायर मोड़ दिया है। अब देखिए क्या हुआ, पूरा जो फेस है ये कूले के साथ पूरा फिट हो गया। ओके, अब दोस्तों इस फेस को अच्छे से कलर करना होगा, ठीक है। देखिए, मैं अभी दे रहा हूँ वाइट कलर, ठीक है। ये खड़ी मिट्टी है, तो खड़ी मिट्टी को मैंने पहले दे दिया है। अभी ये देखिए, ये स्किन टोन है, तो ये सेकंड लेयर में मैं दे रहा हूँ स्किन टोन। स्किन टोन को आपको लगभग दो लेयर देना पड़ेगा, तभी जो स्किन टोन है बहुत अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। स्किन टोन देने के बाद अभी देखिए, मैं फेस को शेडिंग कर रहा हूँ, ये है डस्ट कलर। ओके, तो इस डस्ट कलर से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं अभी दे रहा हूँ रेड कलर, और आँख के ऊपर दे रहा हूँ ये है ग्रीन कलर, ठीक है। तो रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों कलर से मैंने शेडिंग कर दिया। शेडिंग करने के बाद अब मैं फैब्रिक कलर से जो आँखें हैं, आँख को मैं पेंट करूँगा, ठीक है। ये देखिए, ये वाइट कलर है, ये फैब्रिक का वाइट कलर, ठीक है। तो अब भी मैं जो भी कलर यूज़ करूँगा, ये सब फैब्रिक कलर ही होगा। तो सबसे पहले आँख के अंदर में दे दिया वाइट कलर फैब्रिक का, अब उसके बाद देखिए लिप्स में दे दिया पिंक कलर, ठीक है। एंड उसके बाद अभी देखिए, मैं दे रहा हूँ ब्राउन कलर, ये ब्राउन से है ना कलर। अब इस कलर से मैं आँख के नीचे हिस्से में और जो आईब्रो है वहाँ पर मैं ये ब्राउन कलर से पेंट कर दिया, ठीक है। और ये देखिए, थर्ड आई जहाँ पे है उधर भी मैं ब्राउन कलर से पेंट कर दिया। उसके बाद अभी देखिए, मैं ले रहा हूँ ये ब्लैक कलर। अब इस ब्लैक कलर से मैं आईबॉल बनाऊँगा, उसके बाद जो आईब्रो है उधर भी मैं पेंट कर दूँगा। तो ऐसे करके ब्लैक कलर ब्राउन कलर से हम आँख को पेंट कर देंगे। ये देखिए, ये थर्ड आई में जो आईबॉल है उसमें दे दिया। तो हम ऐसे करके आँख को पेंट कर देंगे, उसके बाद जो लिप्स है लिप्स को पेंट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, अभी मैं ब्लैक कलर से आँख का जो डिज़ाइन है मैंने पूरा कर दिया है। अभी देखिए, आँख के अंदर दोनों साइड में होता है रेड कलर, तो उसको मैंने दे दिया है। अभी देखिए, जो लिप्स में दे रहा हूँ रेड कलर, ठीक है। मैंने पहले दे दिया था पिंक कलर, अभी उसके बाद रेड कलर से लिप्स पे मैंने बॉर्डर दे दिया है।
तो ये लिप्स हो गया है। अभी आँख के अंदर में क्या करूँगा, दो व्हाइट डॉट दे दूँगा। ये देखिए व्हाइट डॉट दे दिया है, अभी आँख देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दोस्तों जो फेस है, फेस के ऊपर जो हेयर है, हेयर को लगाना पड़ेगा। ये देखिए मेरे पास में है एक नकली हेयर, पहले मैंने फेविकोल लगा दिया था हेयर की जगह पे, और बाद में मैं वहाँ पे हेयर लगा दिया, और ये देखिए मैं फेविकोल से हेयर को मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए, ये है मूर्ति का जो ज्वेलरी है, यानी कि गहना। ये मार्केट में मिलता है बहुत ही सस्ते प्राइस में। तो देखिए ये देखिए मुकुट है, अब इस मुकुट को मैं फिट करूँगा। ये देखिए मेरे हाथ में एक छोटा सा कील है लोहे का, इसको मैं इधर लगा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम मूर्ति में ऐसा कील को लगा रहे हो, ये तो लगाना ठीक नहीं है। तो दोस्तों देखिए कील यूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, ये हर मूर्तिकार ऐसा करते हैं, और कील यूज़ करने में मूर्ति बहुत ही स्ट्रांग बनती है, लॉन्ग लास्टिंग बनती है, और कील यूज़ करने में कोई भी ख़राब बात नहीं है। तो देखिए अभी मैं फेस का नीचे का जो ज्वेलरी है उसको देखिए मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए ये है फेविकॉल से मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमको कील का यूज़ नहीं करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जहाँ पर कील यूज़ करने के बिना काम ही नहीं चलेगा, तो वहाँ पर यूज़ करना ही पड़ता है। और दोस्तों बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये जो ज्वेलरी है इसका सेट हमको कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों ये तो ऑफलाइन मिलता है, ऑनलाइन नहीं मिलता है। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पे मूर्ति का शॉप है तो वहाँ पे आप जाके इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो गहना का जो सेट है मैंने मूर्ति में पूरा लगा दिया है। ठीक है, अभी चारों ओर एक बॉर्डर दूंगा। ये देखिए मेरे पास इस टाइप का एक डिज़ाइन है, इसको मैंने जो कूला है इसके चारों ओर मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, फेविकॉल से ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नीचे के हिस्से में भी लगा दूंगा। ये देखिए नीचे में भी मैं ऐसे लगा दिया। अब दोस्तों एक और ज्वेलरी था जो मेरे को लगाने का याद नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं अभी लगा दूंगा। ये देखिए मैंने फेविकॉल लगा दिया और उसके बाद इसको ऐसे करके लगा दिया। ठीक है, ये दो साइड में आता है। ठीक है, ये एक साइड, ये देखिए दूसरा साइड में, ये दो साइड में आता है, इसको आँचल कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लगा दिया ऐसे। अब ये देखिए ये है टिकली, टायरा टिकली कहते हैं इसको। अब इसको मूर्ति के ऊपर ऐसे फिट करना पड़ेगा। अब यहाँ भी आपको कीलो का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं कीलो से ये जो टायरा टिकली इसको मैं लगा दिया, ये जो नाक का नथ है यहाँ पर देखिए मैं फेविक्विक दे दिया। ठीक है, ये देखिए ये फेविक्विक है। अब इसके बाद हमारा जो दुर्गा माता का फेस डेकोरेशन करना ये पूरा कम्प्लीट हो गया है। ठीक है, अब चलिए इसको दीवार में लगा कर देखते हैं कैसे लगते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने दीवार में लगा दिया है। दीवार में लगाने के बाद देखिए ये बहुत ही शानदार लग रहा है दिखने में। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा ये बताइए मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक ये मोल्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, और मोल्ड से फेस कैसे बनाते हैं प्रॉपर तरीके से उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।